नेतृत्व हो तो नागरिकों की समस्याओं को न्याय और शहर का विकास मुमकिन है, मगर पिछले कई वर्षों से सीवो डनाराई के नागरिक उम्दा नेतृत्व की कमी के चलते कभी फ्लेमिंगो के प्रश्न को लेकर, कभी सिडको द्वारा भूखंड बिक्री से पर्यावरण को होते नुकसान को लेकर, तो कभी सिडको द्वारा निर्मित होने जा रहे खारगर नेरुल कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को लेकर व्यथित हो चुके हैं। यही कारण है कि इस बार एक बदलाव के साथ एक उच्च शिक्षित, पर्यावरण और नवी मुंबई के मुद्दों को लेकर गंभीर और संवेदनशील लोक प्रतिनिधि को विधानसभा में मौका दिया जाए। इसी मकसद के साथ पूर्व स्थायी समिति सभापति नेत्रा शिरके के माध्यम से नेरुल में कैंडिडेट इंटरैक्शन के तहत एक संवाद बैठक का आयोजन किया गया, जहां नागरिकों से संवाद साधने और उनके प्रश्नों को जानने महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी के उच्च शिक्षित प्रत्याशी संदीप नाइक उपस्थित थे। साथ ही उपस्थित थी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी की नवी मुंबई महिला अध्यक्षा सलुजा सुतार, उद्योजक आशीष शिरके और प्रभाग के असंख्य प्रतिष्ठित नागरिक। इस दौरान संदीप नाइक ने नागरिकों से संवाद साधते हुए बतौर नगर सेवक, स्थायी समिति सभापति और बतौर विधायक के तौर पर नवी मुंबई, खासकर बेलापुर विधानसभा मतदार संघ में उनके कार्यों को जनता के समक्ष रखा। साथ ही नागरिकों से संवाद साधते हुए उनकी समस्याएं सुनी और बेलापुर मतदार संघ के विकास को लेकर अपना एजेंडा नागरिकों के समक्ष रखा। बेहद सकारात्मक माहौल के बीच उपस्थित नागरिकों ने संदीप नाइक से कई सवाल किए और अपने विजन को लेकर संदीप नाइक ने अपनी भावनाएं नागरिकों से व्यक्त की। संदीप नाइक के विजन को सुनकर जहां नागरिक बेहद प्रभावित हुए, वहीं उन्होंने संदीप नाइक के नेतृत्व कौशल्य की सराहना करते हुए कहा कि बेलापुर मतदार संघ में संदीप नाइक जैसे उम्दा नेतृत्व बदलाव जरूर ला सकता है, जनता के प्रश्नों को सुलझाने के लिए प्रयत्न कर सकता है और बेलापुर मतदार संघ का सर्वांगीण विकास और कायापलट कर सकता है। जनता के इस विश्वास और बेलापुर के सम्मान में संदीप नाइक इस बार चुनावी रणसंग्राम में उतरे हैं और जनता से मिल रहा समर्थन उनकी जीत के मार्ग को दिन ब दिन प्रशस्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।